हेलो मैम, परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अपने बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के बारे में, और लास्ट टू वीडियोज में हम लोगों ने बात की अपने इमोशंस की, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे अपने सस्पेंशंस के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चल चुकी है कि जो हमारी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उसके अंदर बेसिकली हमें दो फेज देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा होता है हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस। अब अगर ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस टू लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा जो भी बाईफेजिक होता है, देखो बाईफेजिक के अंदर हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला इमल्सन, इमल्सन को हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग बात कर रहे हैं सस्पेंशंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे, जैसे ये हमारा एक बाईफेजिक है मान लो, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमें दो फेज देखने को मिलती है, जिसमें से एक होती है हमारी कॉन्टीन्यूअस फेज, ठीक है, एक होती है हमारी कॉन्टीन्यूअस फेज और दूसरी होती है हमारी डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज होती है वो यहाँ पे कम अमाउंट में होती है और कॉन्टीन्यूअस फेज यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होती है। यानी हमारा अगर कोई बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, जैसे हमारा इमल्सन या सस्पेंशन है, तो उसमें जो हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस है वो ज़्यादा होगा और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो थोड़े अमाउंट में होगा। तो इमल्सन में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस था ये भी लिक्विड था और कॉन्टीन्यूअस फेस भी लिक्विड था। देखो डिस्पर्स्ड फेस इमल्सन में क्या होता था, ऑयल या फिर वाटर, ठीक है, और उसके बाद कॉन्टीन्यूअस फेस भी हमारा क्या था, ऑयल या फिर वाटर, ठीक है, यानी वो डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ इमल्सन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो सस्पेंशन है ना, यहाँ पे मेन डिफरेंस कहाँ आने वाला है कि देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे जो हमारा बाईफेजिक सॉल्यूशन है इसमें हमारी कॉन्टीन्यूअस फेस तो लिक्विड ही रहेगी, ठीक है, अब वो कुछ भी लिक्विड हो सकता है, ऑयल हो, वाटर हो या फिर कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड, और सॉलिड में भी यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स, यानी बहुत ही छोटे छोटे हमारे, जैसे आप कह सकते हो कि हमारे ये जो सॉलिड के महीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे, ये हमें यहाँ पे सस्पेंशंस में देखने को मिलेंगे। यानी सस्पेंशन में हमारा क्या होगा, सस्पेंशन में हमारा पहला तो लिक्विड होगा, ठीक है, यानी पहला हमारा लिक्विड होगा जो हमारा क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फेस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस, और डिस्पर्स्ड फेस हमारा क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारा ये लिक्विड है यानी जो हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस है इसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे एज अ डिस्पर्स्ड फेस इन सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन हमारा क्या होता है, सस्पेंशन होता है हमारा एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसमें हमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड देखने को मिलते हैं लिक्विड में, ठीक है, यानी लिक्विड में हमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स्ड यानी कि मिले हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान देना कि फाइनली डिवाइडेड, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सॉलिड पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े साइज के हैं, बहुत ही महीन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका साइज भी दिया हुआ है, इनका साइज होगा 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक, ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटा साइज होगा यहाँ पे हमारे जो है डिस्पर्स्ड फेस का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इन सस्पेंशंस यानी हमारे सस्पेंशन में जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो है सॉलिड पार्टिकल्स और जो हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस है वो है हमारा लिक्विड। बस इतना ही डिफरेंस है हमारे सस्पेंशन और इमल्सन में, इमल्सन में दोनों लिक्विड होते हैं और सस्पेंशन में क्या होता है, एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशंस को जो है हम लोग तीन अलग अलग कैटेगरी के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लास और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और तीसरा है इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाकी जो ये हमारा तीसरा वाला है, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हमारे आते हैं फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लास, तो इसके अंदर बेसिकली हमें चार टाइप के सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है हमारा ओरल सस्पेंशन, दूसरा है हमारा टॉपिकल, थर्ड है हमारा पैरेंटरल एंड फोर्थ है हमारा ऑप्थैल्मिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे ओरल सस्पेंशंस की, तो देखो जैसा इसका नाम है ओरल, ओरल मतलब क्या होता है, यानी कि जो हम माउथ से कंज्यूम करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसा हमारा जो आप कह सकते हो कि हमारा जो सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी कि जैसा हमारा पैरासीटामोल सस्पेंशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली जो है एक सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा जिसको हम लोग जो है अपने माउथ से कंज्यूम करेंगे, ठीक है।
और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे टॉपिकल सस्पेंशंस की, तो देखो यहाँ पे इसका जैसा नाम है टॉपिकल, तो टॉपिकल का मतलब होता है हमारा स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे इन सस्पेंशंस को हम लोग जो है एक्सटर्नल पर्पज के लिए अप्लाई करते हैं और इसको हम लोग जो है अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और पेरेंट्रल सस्पेंशन में क्या होगा कि सस्पेंशन को हम लोग जो है इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, ठीक है। यानी हमारे इंजेक्शंस में जो है सस्पेंशन यहाँ पे फिल रहेगा और उसको हम लोग जो है अपनी इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा लेंगे। यानी सिंपल है, देखो इंजेक्शन से, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल साइज जो है यहाँ पे बहुत ही छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जैसे जैसा हमारा जो इंजेक्शन है, तो आपको पता है कि उसकी जो नीडल है वो कितनी पतली होती है, ठीक है, यानी बहुत ही स्मॉल सा होल होता है उसमें। तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत महीन होने चाहिए सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, ताकि वो जो है इजीली बाहर आ सकें। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस की, तो देखो जैसा इसका नाम है ऑप्थेल्मिक, तो ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है थोड़ा आई से रिलेटेड, आँखों से। तो यहाँ पे इन सस्पेंशंस को हम लोग जो है आई ड्रॉप्स के फॉर्म में लेते हैं। अब ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस का जो यहाँ पे साइज है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन, यानी बहुत ज़्यादा महीन होना चाहिए, ठीक है, और नॉन इरिटेटिंग नेचर का होना चाहिए, यानी आँखों में जाके जो है इरिटेट नहीं होना चाहिए, और स्टराइल और आइजोटॉनिक होना चाहिए, यानी बहुत ही प्योर नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और अब बात करें हम लोग अपने सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारा सस्पेंशन है तो उसमें हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है जो कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे कॉन्टीन्यूअस फेस में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे दो टाइप हैं, जिसमें पहला है हमारा डाइल्यूट और दूसरा है हमारा कंसेंट्रेटेड। तो देखो डाइल्यूट में सिंपली जो हमारा सस्पेंशन है उसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे 2 से 10% पर वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बस सिंपली ऐसे समझो कि मान लो हमारा ये सस्पेंशन है और इसमें जो हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस है जो कि लिक्विड है, ठीक है, वो मान लो अगर 100 ml है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है यानी कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो 2 से 10% पर वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि 2 से 10 ग्राम, यानी 2 से 10 ग्राम हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी सॉलिड पार्टिकल्स हमारे 100 ml जो है सॉल्यूशन में हमारे वाटर में अगर प्रेजेंट है, मान लो वाटर हमारा अगर कॉन्टीन्यूअस फेस हो गया, तो अगर हमारे 100 ml कॉन्टीन्यूअस फेस में हमारे 2 से 10 ग्राम डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो हमारा सस्पेंशन हो गया डाइल्यूट, ठीक है। और अगर उसी तरीके से जो हमारा कंसेंट्रेटेड है तो इसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे 50% होंगे, यानी अगर 100 ग्राम यहाँ पे जो है हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस है, ठीक है, जो कि लिक्विड है, तो यहाँ पे जो हमारी डिस्पर्स्ड फेस है जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो 50% यानी 50 ग्राम होंगे, 50 ग्राम पर 100 ml। यहाँ पे ये देखो रेशियो होता है वेट बाय वॉल्यूम का। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कंसेंट्रेशन वाला हमारा लेक्चर ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यार बस सिंपली समझ लो 50% और 2 से 10%, बस सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है, कॉर्टिसोन एसीटेट सस्पेंशन और इसका है जिंक ऑक्साइड, तो इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग अपने थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इसी को डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस के बारे में, तो देखो अब आप लोग यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा अक्सर 5 या 7 नंबर में पूछा जाता है, यानी आप कह सकते हो कि हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फ्लॉकुलेटेड। तो यहाँ पे जो हमारे सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लॉकुलेशन में चले जाते हैं, यानी कि वो यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स को फॉर्म कर लेते हैं। अब फ्लॉक्यूल्स क्या होता है, तो फ्लॉक्यूल्स को आप लोग जो है कह सकते हो गुच्छा, ठीक है, गुच्छे टाइप को आप लोग जो है फ्लॉक्यूल्स बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स होता क्या है, हम लोग थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये सस्पेंशन है, ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन है। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारा कॉन्टीन्यूअस फेस और डिस्पर्स्ड फेस। कॉन्टीन्यूअस फेस क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और डिस्पर्स्ड फेस क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर ही होगा, तो यहाँ पे जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेस के, अगर वो कंबाइन करके यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स बना लेते हैं तो वो होता है हमारा फ्लॉकुलेटेड। अब फ्लॉक्यूल्स कैसे बनाएंगे आप लोग देखना, जैसे मान लो ये हमारे जो है डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखना, मान लो अगर ये जो है कंबाइन करके, ठीक है, जैसे ये हमारे जो है मान लो ये आपस में जो है कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं और जुड़ के हमारे फ्लॉक्यूल्स यानी कि आप कह सकते हो थोड़ा गुच्छे टाइप का स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जैसे ये हमारा गुच्छे बन गए, ठीक है, यानी आपस में कंबाइन हो गए और गुच्छे के फॉर्म में यानी
फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में अगर दिखने लगे तो ये सस्पेंशन हो जाता है हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो कि हमारा जो सस्पेंशन है वहाँ पे जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, यहाँ पे अब देखो ये जो फ्लॉक्यूल्स होता है ये बहुत ही लूज एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि देखो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि जैसे आप लोग ऐसे समझो कि ये जो हमारे फ्लॉक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये फ्लॉक्यूल्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली अटैच हैं, बस यहाँ पे देखो जुड़ गए हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हम लोग हिलाएंगे तो ये फिर से अलग हो जाएंगे, यानी कि ये जो ये है ये हमारा फिर से जो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो अभी आप लोग को पता चलेगा कि देखो यहाँ पे ये फ्लॉक्यूल्स हैं और ये बहुत ही लूजली पैक होते हैं, यानी कि ज़्यादा हार्डली नहीं पैक होते हैं, बस यहाँ पे गुच्छे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन होता है हमारा, जैसे हमारा ये जो मान लो सस्पेंशन है, ठीक है, तो सेडिमेंटेशन पहले होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आके हमारे जो सस्पेंशन की बॉटम में आके इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ओके, सिंपल है। देखो हम लोगों ने इमल्सन में देखा था ना क्रीमिंग को, तो जो हमारी डाउनवर्ड क्रीमिंग थी तो वही हमारी सेडिमेंटेशन आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोई क्रीमिंग रीमिंग तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड तो है नहीं। देखो वहाँ पे हमारा डिस्पर्स्ड फेस क्या था, लिक्विड था, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये सस्पेंशन है तो इसमें जब हमारे सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे बॉटम में बैठ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, यानी कि हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें अगर देखने को मिले, जैसे आप लोग देख सकते हो बॉटम में आके इकट्ठा हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड होता है इसमें सेडिमेंटेशन बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे हमारा ये जो मान लो अगर हमारा कोई छोटा छोटा पार्टिकल है तो वो यहाँ पे बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये सब कंबाइन करके एक फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो देखो इनका वेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। जैसे इसको बहुत ही सिंपली समझो कि आप लोग पानी में पत्थर डालो तो तुरंत जो है नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर कोई हल्की सी सी चीज़ डालोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब ये मतलब पास में कंबाइन होके बड़े हो जाते हैं तो इनका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इनका सेडिमेंटेशन यानी ये बहुत ही जल्दी से नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, और हमारे बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये हमारे फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अभी हम लोग यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें डीफ्लॉक्यूलेटेड की, तो देखो यहाँ पे कहानी बिल्कुल उल्टी है। फ्लॉक्यूलेटेड में जो चीज़ें थी यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट है। यहाँ पे जो है कोई भी फ्लॉक्यूलेशन वगैरह नहीं होता है, और इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेपरेट एंटिटीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी बिल्कुल अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जैसा सस्पेंशन होता है सिंपली, यानी हमारा जो सस्पेंशन है तो इसमें हमारे ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर जो हमारा जैसे हमारा ये जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो जैसे ये हमारे कंबाइन करके भारी हो गए थे तो तेज़ी से नीचे गिरने लगे, लेकिन जब ये हमारे छोटे छोटे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, स्लो होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे उसको थोड़ा डीप में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सेडिमेंटेशन बताया था, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन ऑन दी बॉटम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यानी सस्पेंशन के बॉटम में जब हमारे डिस्पर्स फेस जो है बैठ जाते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डीफ्लॉक्यूलेटेड एंड फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब यहाँ पे हम लोग जो है हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करें फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड में डिफरेंस में, तो सबसे पहले हमारा पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है कि हमारा फ्लॉक्यूल्स देखो फॉर्म तो होता है लेकिन बहुत ही लूजली पैक होता है, यानी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी ये बहुत ही आसानी से जो है फिर से अलग भी हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो हमारे पार्टिकल्स जो है सेपरेटली एंड मतलब एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई फ्लॉक्यूलेशन वगैरह होता नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है जैसा आप लोगों को पता है, यहाँ पे क्या होता है, लो होता है। अब यहाँ पे जो हमारा सेडिमेंट है वो बहुत तेज़ी से फॉर्म होता है, यानी सेडिमेंट क्या होता है, वही जो हमारा जैसे हमारा जब सेडिमेंटेशन होता है तो हमारे जो पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाते हैं तो वो जो बैठना है ना, जब बैठ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट। तो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से सेडिमेंट होता है, यहाँ पे स्लो होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है ये यहाँ पे डजंट फॉर्म हार्ड केक, यानी कि कोई हार्ड केक वगैरह नहीं फॉर्म करते हैं।
अब केक क्या होता है यहाँ पे, मतलब केक हमारा खाने वाला केक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केक किसको बोला जाता है, आप लोग ध्यान से समझना। जब हमारा यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, हमारा जैसे सस्पेंशन है, और मान लो हमारा ये जैसे डीफ्लॉकुलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, जैसे ये हमारा गुच्छा हो गया, ठीक है, तो ये जब आके जो है हमारी बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे। देखो अब ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ पे तीन चार होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो ये सब जब आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे ये थोड़ा मतलब एक बहुत ही जैसे क्रीम टाइप का, केक टाइप का फॉर्म कर लेते हैं। देखो यहाँ पे केक जो है इसी को बोला जाता है, ठीक है, कि जब यहाँ पे हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे जब बॉटम में आके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो हमें जो है एक केक टाइप का माहौल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो जैसे जो हमारा फ्लॉकुलेटेड है, इसमें हमें बहुत ही हार्ड केक नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे केक बहुत अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे गुच्छे में होते हैं, तो केक जो है बहुत ही हार्ड नहीं होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो डीफ्लॉकुलेटेड है इसमें बहुत ही हार्ड केक बनता है। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही होता है, अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जैसे ये डीफ्लॉकुलेटेड है, तो डीफ्लॉकुलेटेड में क्या होता है, पार्टिकल्स हमारे अलग अलग रहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है, यानी बहुत ही स्लो होता है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है, सेडिमेंटेशन होता है, बहुत ही स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे देखो होता क्या है कि देखो पहली बात तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत ही स्लो होता है, चलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जब सेडिमेंटेशन होता है तो बहुत ही बुरी तरीके से होता है। यानी कि आप लोग ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पे जैसे जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड था, तो यहाँ पे जब हमारा मतलब सेडिमेंटेशन होता है तो ये तो बहुत ही मतलब अलग अलग होते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, ठीक है, और एक बहुत ही हार्ड केक वगैरह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब सेडिमेंटेशन होता है, यानी यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं, एक बार जब वो यहाँ पे नीचे आके बैठ जाते हैं, देखो आते बहुत स्लोली हैं, यानी कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है स्लो, लो है, लेकिन एक बार जब आ गए तो यहाँ पे बहुत ही जो है एक बहुत ही हार्ड केक देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, तो इन ये सब मतलब एक दूसरे के ऊपर आके चिपक जाते हैं, और हमें जो है एक मतलब एक आप कह सकते हो बहुत ही हार्ड जो है एक लेयर देखने को मिलने लगती है, ठीक है। यानी सारे पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और हमें जो है एक बहुत ही हार्ड केक देखने को मिलता है। अब देखो आप लोग इसको जो है अपने घर में भी ट्राई करके देख सकते हो। आप लोग क्या करना कि थोड़ी सी मिट्टी लेना, ठीक है, या फिर थोड़े से बालू के पार्टिकल्स अगर कहीं से मिल जाए तो आप लोग उसको लो और उसको जो है पानी में डालना। तो देखो क्या होगा कि पहले तो बालू के पार्टिकल्स जो है पानी में मतलब ऊपर आप लोग को मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन एक बार जब वो बैठ जाएंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बार जब बालू के पार्टिकल्स यहाँ पे आपके पानी में बैठ जाएंगे तो वो जो है बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। फिर आप लोग अगर अपने ग्लास को उल्टा भी कर दोगे तो पानी गिर जाएगा, लेकिन वो बालू नहीं गिरेगा, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। देखो आई होप कि मैं आप लोगों को थोड़ा समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सेडिमेंट है, देखो हार्ड केक सेडिमेंट ये सारी चीज़ें लगभग एक ही है, ठीक है, केक सेडिमेंट आप लोग बिल्कुल मतलब सेम चीज़ें होती हैं। आप लोग इसको सेडिमेंट भी कह सकते हो और केक भी कह सकते हो, केक और सेडिमेंट यहाँ पे एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा सेडिमेंट है वो इजीली रीडिस्पर्स्ड हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है कि हमारा सेडिमेंट जो है बहुत ही डिफिकल्टली रीडिस्पर्स्ड होता है। अब यही हमारे जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना, जैसे हमारा ये क्या है फ्लॉक्यूलेटेड है, और ये हमारा क्या है डीफ्लॉक्यूलेटेड। तो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा जब सेडिमेंटेशन होगा तो यहाँ पे देखो जैसे हमारे गुच्छे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्लॉक्यूल्स हैं, तो फ्लॉक्यूल्स जो है आके जो है बॉटम में बैठ जाएंगे, ठीक है, और हमारा जो है कुछ इस टाइप का माहौल देखने को मिलने लगेगा, यानी कि आपस में चलो बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इनके बीच में जो है अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली अटैच नहीं है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छे से अटैच हो गए। अब यहाँ पे देखो रीडिस्पर्स, रीडिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब अपने सस्पेंशन को हिलाएं, ठीक है, अगर मान लो हम लोग अपने सस्पेंशन को पकड़ के हिला रहे हैं, तो पार्टिकल्स जो हैं, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो फिर से जो है आसानी से रीडिस्पर्स, यानी कि फिर से हमारे सस्पेंशन में पूरी तरीके से फैल जाए। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने डोजेज फॉर्म पढ़ा है, डोजेज फॉर्म, तो डोजेज फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी जो कोई दवा होती है, कोई भी दवा हो, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, पहला होता है हमारा एपीआई और दूसरा होता है हमारा एक्सीपिएंट। अब यहाँ पे सस्पेंशन भी तो हमारी एक टाइप की दवाई है, तो हमारा जो सस्पेंशन होता है इसमें भी तो हमारा एपीआई और एक्सीपिएंट होता है ना। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे जो सस्पेंशन होता है, यहाँ पे हमारा एपीआई क्या होता है, हमारा एपीआई यही सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है,
यानी ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे लिक्विड में, देखो लिक्विड तो हमारा एक्सीपिएंट होता है सस्पेंशन में, यानी हमारी सस्पेंशन में जो हमारी कॉन्टीन्यूअस फेस है वो तो यहाँ पे एक्सीपिएंट का काम करती है, जो हमारा मेन एपीआई होता है वो हमारे यही सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा मान लो ये हमारा कोई सस्पेंशन है, ठीक है, जैसे हमारा पैरासीटामॉल सस्पेंशन है मान लो, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो लिक्विड है वो तो हमारा व्हीकल है, यानी वो तो हमारा एक्सीपिएंट है, हमारी मेन दवा यानी मेन पैरासीटामॉल हमारा यही है, ठीक है, ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि जैसे अगर हमें जो है मान लो ये दवा हमें पीनी है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये लिक्विड चाहिए कि हमें ये सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए? देखो दवा तो हमारी ये सॉलिड पार्टिकल्स है ना, पैरासीटामॉल की जो मेन प्रॉपर्टी है वो तो इन सॉलिड पार्टिकल्स में है, ये लिक्विड तो हमारा बस व्हीकल का काम कर रहा है। तो अगर हमें सस्पेंशन चाहिए तो हमें ये लिक्विड पार्टिकल्स जो है पीने चाहिए ना, यानी कि हमारा जैसे हमारा जो सस्पेंशन है तो उसमें अगर हम लोगों ने एक ढक्कन लिया तो अगर उसमें हमारा सिर्फ ये लिक्विड आ रहा है तो ये हमारे किसी काम का है? ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमें कोई असर नहीं देगा। जब इस लिक्विड पार्टिकल्स में हमारे जो है सस्पेंशन यानी कि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो हमारा पैरासीटामॉल है, जो हमारा मेन एपीआई है, जब ये आएगा तब हमें जो है असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सस्पेंशन होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे क्या होता है, नीचे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, नीचे आके बैठ गए। अब हमें जो है अगर जो है अपनी दवा को पीना है, ठीक है, तो उसको हम लोग जब फिर से सेक करेंगे, हिलाएंगे, तब क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है फिर से मिल जाएंगे और तब जो है हम लोग जब अपनी दवा को पियेंगे तब हमें अच्छा असर देखने को मिलेगा। अब आप लोग अगर ध्यान से कभी नोटिस करोगे तो हमारा जो सिरप होता है जो हमारा सस्पेंशन के फॉर्म में होता है उसमें पीछे जो है साफ मेंशन होता है सेक वेल बिफोर यूज, यानी पीने से पहले सिरप को अच्छी तरीके से हिलाइए ताकि जो हमारा सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिर से जो है सिरप में मिल जाए, क्योंकि ये क्या होता है, ये बैठ जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखना, हम लोग बात कर रहे थे फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड के बारे में, तो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है तो इसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं, यानी फ्लॉक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर ये फ्लॉक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और अब ये जाके हमारी बॉटम में बैठ जाते हैं, तो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि हमारा जो है स्टेबल सस्पेंशन कौन सा होगा, अच्छा कौन सा होगा? अब आप लोग बोलोगे डीफ्लॉक्यूलेटेड अच्छा होगा क्योंकि इसमें तो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जो है अलग अलग रहते हैं, तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ा खेल होता है कि यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड नहीं अच्छा होता है, हमारा फ्लॉक्यूलेटेड अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड है ये बहुत ही हार्ड केक फॉर्म कर लेता है जब यहाँ पे हमारा सेडिमेंटेशन होता है। देखो सेडिमेंटेशन हमारे सस्पेंशन में ज़रूर होता है क्योंकि हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो नीचे आके बैठेंगे, नीचे आके बैठने को ही हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेडिमेंटेशन है बहुत ही हार्ड होता है, यहाँ पे एक बार नीचे आके बैठ गए तो हमारा सस्पेंशन को हम लोग कितना भी हिला लें ये पार्टिकल्स जो है नीचे ही बैठे रहेंगे। अब आप लोग अगर अपने घर में कोई ऐसा सिरप हो जो बहुत दिन पुराना हो गया हो और अगर वो सस्पेंशन के फॉर्म में रहा होगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि वो सिरप में ना नीचे आप लोग को सॉलिड पार्टिकल्स की केक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग उसको कितना भी हिलाओ, ठीक है, वो अलग ही नहीं होंगे, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह दोगे तो हो सकता है अलग हो जाए, वरना आसानी से तो नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड होता है तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे देखो एक बार बैठ तो जाते हैं लेकिन एक बार आप लोगों ने इसको हिलाया, ठीक है, यानी अपने सिरप को अगर मान लीजिए हमारा सस्पेंशन है और इसको आप लोगों ने जो है सेक किया यानी हिलाया, तो ये तुरंत जो है आसानी से जो है रीडिस्पर्स हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना ये लूज एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, यानी कि बहुत ही मतलब लूजली पैक होते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा भी हिलाओगे तो ये तुरंत जो है वापस जो है हमारे पूरे जैसे सस्पेंशन में जाके फैल जाएंगे और हमें जो है, और तब अगर हम लोग जो है मान लो अगर सस्पेंशन ले रहे हैं तो हमें जो है ये सॉलिड पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे और हमारा सस्पेंशन एक अच्छा सस्पेंशन होगा। तो देखो यार मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग को कन्फ्यूज कर दिया है, बट देखो आप लोग अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मतलब आप लोग जो है थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है, और एक बार दोबारा से देखो, देखो एक बार आप लोग दोबारा से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दो बार देखो, बट समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने जो है हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बट देखो काफ़ी नई चीज़ें थी तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है अगर कन्फ्यूज हो तो एक बार दोबारा से देखो, आई होप कि आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और देखो यहाँ पे जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड होता है तो ये यहाँ पे अनप्लीजेंट होता है अपीरेंस, यानी कि ये जो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, जबकि हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड दिखने में ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए बोला गया है कि अगर कोई चीज़ दिखने में अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी अच्छी हो। देखो डीफ्लॉक्यूलेटेड दिखने में ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक अच्छा सस्पेंशन नहीं होता है।
और फ्लॉक्यूलेटेड क्या है, दिखने में बेकार है लेकिन हमारे काम का है। अब देखो दिखने में क्यों बेकार है, क्यों अच्छा है, तो बहुत ही सिंपल है यार। अब आप लोग इसको ध्यान से देखो, जैसे हमारा ये सस्पेंशन है फ्लॉक्यूलेटेड, तो यहाँ पे हमें गुच्छे वगैरह देखने को मिल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड है, इसमें हमें बिल्कुल एकदम अच्छा सा सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिखने में भले अच्छा है बट काम का नहीं है, अच्छा नहीं है ये, अच्छा यही वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड है वो मोर स्टेबल है, और डीफ्लॉक्यूलेटेड क्या है, वेरी लेस स्टेबल है। देखो आप लोग एक चीज़ बहुत ही सिंपली आप समझ लो, मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में सारा रिवीजन करा देता हूँ कि हमारा फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड में मेन डिफरेंस कहाँ पे है, क्यों ये ज़्यादा अच्छा है, क्यों कम अच्छा है। क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में, तो जब ये हमारा हार्ड केक नहीं फॉर्म करते हैं तो इस ये जो है इजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, यानी हिलाने पर दोबारा से ये जो है मतलब वापस जो है ब्रेक हो जाते हैं और टूट जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बार अगर जो है सेडिमेंट या फिर केक फॉर्म हो गया तो वो दोबारा अलग ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा बहुत ही बेकार हो जाता है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा सॉलिड पार्टिकल्स जो है अलग अलग रहे। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो अलग होते हैं लेकिन एक बार जब यहाँ पे ये जो केक को फॉर्म कर लेते हैं तो दोबारा ये जो है अलग बिल्कुल नहीं होते हैं और हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। तो यार आज का लेक्चर वैसे भी काफ़ी लंबा हो रहा है, बट आई होप कि आप लोग को आज के लेक्चर से कुछ तो बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोग को सस्पेंशन मतलब बहुत ही अच्छे से समझा सकूँ, स्पेशली फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड, क्योंकि इसमें यार बहुत कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। लोगों को यही लगता है कि डीफ्लॉक्यूलेटेड ज़्यादा अच्छा है जबकि हमारा अच्छा होता है फ्लॉक्यूलेटेड। अब उसके पीछे जो भी रीजन्स थे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे सस्पेंशन के एडवांटेजेस की, तो जो हमारा सस्पेंशन होता है तो ये हमारी कुछ दवाओं की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कुछ दवाएं हमारी सस्पेंशन के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, जैसे हमारा प्रोगेन हो गया और पेनिसिलिन जी हो गया। अब इसके अंदर अगर हमारी कोई ड्रग है उसका टेस्ट यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी हमारे जैसे जो डिस्पर्स्ड फेज के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे ख़राब टेस्ट में है, तो हम लोग जो है उसमें अच्छा सा लिक्विड यानी कि अच्छे से टेस्ट का लिक्विड मिक्स करके उसके टेस्ट को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन है वो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। और उसके बाद बात करें तो जो हमारा सस्पेंशन है वो यहाँ पे हाइयर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है आप लोग शॉर्ट में समझो, जैसे हमारी जितनी भी दवा है तो वो जब यहाँ पे ब्लड में पहुँचती हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन है इसमें हमें बहुत ही अच्छी बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जैसे हमारा जो बायो अवेलेबिलिटी का ऑर्डर है वो होता है, हमारा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा देता है, सस्पेंशन उससे कम, कैप्सूल उससे कम और टैबलेट उससे कम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे देखो इसकी जो है रिक्वायर शेकिंग, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सस्पेंशन को जो है लेने से पहले हमें शेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमें जो है मिल सकें। और यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर इनएक्यूरेसी वगैरह देखने को मिलती है। इनएक्यूरेसी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि अगर मान लो हमारा कोई सस्पेंशन है और उसको हम लोगों ने शेक किया और उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से नहीं मिले तो हम लोग जो पियेंगे वो क्या होगा, लिक्विड होगा, और वो हमारे किसी काम का है, वो हमारी मतलब बीमारी को ठीक ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी हो जाती है। और पैकिंग हैंडलिंग और स्टोरेज डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, लीकेज वगैरह ना हो जाए। और सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सेडिमेंटेशन तो ज़रूर होता है, देखो कोई भी सस्पेंशन हो सेडिमेंटेशन तो ज़रूर होगा, लेकिन अब यहाँ पे डीफ्लॉक्यूलेटेड है तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत हार्ड होगा और हमारा जो है सस्पेंशन बेकार ही हो जाएगा। और फ्लॉक्यूलेटेड है तो सस्पेंशन जो है सेडिमेंटेशन होगा लेकिन फिर से जो है हम लोग जो है उसको रीडिस्पर्स कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। और देखो यार मैं फिर बोल रहा हूँ कि फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड को आप लोग अच्छे से समझ लेना, और अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर मैं आप लोग को नहीं समझा पाया हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, हम लोग उसको दोबारा भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा किसी और तरीके से समझा सके। बट अगर मतलब मैंने कोशिश की है, बाकी आप लोग बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।